अस्सलामुअलैकुम। हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, चाइनीज़ की चिकन क्रिस्पी, जो बहुत लोगों को पसंद आता है और बहुत ही यमी लगती है ये रेसिपी। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन क्रिस्पी बनाने वाले हैं, तो चले बिस्मिल्ला बोलकर इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मेरे पास आधा किलो बोनलेस चिकन है, इसे हमें मैरिनेट करना है। सबसे पहले इसमें हम 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद सिरका ऐड कर लेंगे, हल्का सा काली मिरी पाउडर, नमक और एक अंडा लिया है मैंने, जिसकी हमें सिर्फ सफ़ेद ही यूज़ करना है। 2 टेबलस्पून के करीब हम कॉर्नस्टार्च यानी कॉर्नफ्लावर ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से। और इसे मिक्स करने के बाद हम साइड में रख देंगे और दूसरी चीज़ की तैयारी करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने एक बाउल में 1/2 कप मैदा लिया है और 1/2 कप के करीब कॉर्नस्टार्च लिया है, वही कॉर्नफ्लावर, हल्का सा इसमें भी नमक ऐड कर लेंगे, हल्का सा काली मिरी पाउडर और 1 टेबलस्पून के करीब तेल ऐड कर लेंगे और इसे भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें हल्का सा पानी ऐड कर लें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे हमें ना ज़्यादा गाढ़ा करना है ना ज़्यादा पतला रखना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था वो इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से दोबारा मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमें अच्छी तरह से कोट कर लेना है इसमें। देखिए, यहाँ पर पहले से मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें हमारे मैरिनेट किए हुए चिकन यानी जो अभी हमने पेस्ट मिलाया है वो इसमें ऐड कर लेंगे और हमारे चिकन को फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक के। देखिए, हमारे चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे, तेल को अच्छी तरह से निथार लें। देखिए, चिकन बनके रेडी है फ्राई किए हुए। अभी हमें एक सॉस बना लेना है, उसके लिए मैंने उसी पैन में 2 टेबलस्पून के करीब तेल लिया है। उसमें आप 10-12 लहसुन की कली को चॉप करके ऐड कर लें और इसे हल्का सा फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें 2 से 3 स्प्रिंग ऑनियंस ऐड कर लें। इसे भी 1 मिनट के लिए सॉटे कर लें स्प्रिंग ऑनियंस को। अब यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ऐड की है यानी कैप्सिकम। इसे भी हल्का सा फ्राई कर लें, 1 मिनट के लिए ही सॉटे करना है इसे हमें। कोई भी चीज़ हमें ओवर कुक नहीं करनी है। उसके बाद 1 टीस्पून शक्कर ऐड कर लें और यहाँ पर 1/4 कप शेजवान सॉस ऐड करना है हमें। 2 टेबलस्पून के करीब टमाटो सॉस ऐड कर लें। 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस भी ऐड कर लें। मिक्स कर लें सारी चीज़ों को अच्छी तरह से और इसे 1 मिनट के लिए भून लें। अब इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर लें, हल्का सा काली मिरी पाउडर और नमक ऐड कर लें इसमें और 1 टीस्पून विनेगर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्नस्टार्च लिया था, उसमें 100 ml पानी को मिक्स करके इसमें ऐड कर लिया है। हमें सॉस को गाढ़ा होने तक के पका लेना है। देखिए, बस 2 मिनट के बाद ही हमारा सॉस अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें हमारे फ्राइड किए हुए चिकन को ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से एक बार स्टर करने के बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। हमें इसे ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है, बस 1 मिनट के लिए इसे कवर करने के बाद इसे हम लिड ओपन कर देंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। देखें कितना चटपटा लग रहा है हमारा चिकन क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी लगती है ये रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलूंगी दोबारा एक और रेसिपी के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।